नमस्ते इंडिया। बच्ची जब पैदा होती है तो उसके माँ बाप जो है वो लगभग 1 साल के अंदर अंदर उसके कान छिदवा देते हैं। ये कान छिदवाना कोई फैशन के चलते या तो फिर कोई रिवाज के चलते हो सकता है, मगर सिर्फ फैशन और रिवाज के चलते कान छिदवाए जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसके पीछे अपने और भी बहुत सारे फायदे हैं। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हो, ये आपके बच्चे को बहुत सारा बेनिफिट्स भी दे सकता है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के कान छिदवाए जाए, आप अपने लड़के के भी कान छिदवा सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, जहाँ पर कान छिदवाए जाते हैं यानी कि कान के लोब के नीचे जहाँ पर हम कान छिदवाते हैं, वहाँ पर शरीर के अलग अलग हिस्सों के पॉइंट्स मौजूद होते हैं। देखिए, जब कान के लोब के ठीक नीचे आप कान छिदवाते हो तो इससे शरीर के अलग अलग हिस्सों के जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहला तो जो माइंड का यानी कि बच्चे के जो दोनों साइड के जो माइंड होते हैं वो एक्टिव हो जाता है। जब भी बच्चा छोटा होता है तो उसका माइंड भी डेवलप होने लग जाता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। इसलिए लगभग 8 महीने के होते होते आपके अपने बच्चे के कान छिदवा देने चाहिए, क्योंकि उससे आपके बच्चे का माइंड एक तो एक्टिव होगा और साथ में जब कान छिदवाते हैं तब दर्द भी होता है। तो इसलिए आपके बच्चे का माइंड जो है वो डेवलप अभी तक हो रहा है तो उसको इतना दर्द भी नहीं होगा। इसलिए 8 महीने तक एटलीस्ट आपके बच्चे को कान छिदवा देने चाहिए। साथ ही में इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ सकती है। आँखों के जो पॉइंट होते हैं वो भी उसी जगह पर होते हैं, तो इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही में सुनने की क्षमता भी बढ़ती है, और तो और वो आपके बच्चे को एनर्जी भी देता है। साथ ही में लड़कियों में उसका जो मासिक होता है वो भी रेगुलर हो सकता है। तो इसलिए कान छिदवाना और सिर्फ फैशन या तो फिर कोई रिवाज के चलते नहीं है, मगर उसके अलग ही और भी सारे फायदे हैं। अभी आपको कान छिदवाते वक्त थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है। देखिए, जब आप पहली बार बच्चे के कान छिदवा रहे हो तो हमेशा सोने का इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे को किसी और मेटल से एलर्जी हो सकती है। इसलिए आप हमेशा सोने का इस्तेमाल करें, चांदी का भी नहीं करना है, आपको हमेशा सोने का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सोने का इस्तेमाल करने से जो पकने और सूजन का जो खतरा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए सोने का इस्तेमाल करें, और जैसे ही आप कान छिदवाते हो तो हमेशा ये आदत होती है कि एक बार चेक करके देखते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तुरंत हाथ नहीं लगाना चाहिए उस जगह पर। इस बार बच्चे का भी ज़्यादा ध्यान रखने का होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो बार बार उस जगह पर छूता रहता है, तो आपको इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको थोड़ी हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी साफ सफाई रखनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस दौरान आप घी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर भी उस जगह पर एटलीस्ट 4 से 5 दिन तक उस जगह पर आप लगा सकते हो, और साथ ही में आप नारियल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो।